ये हमारा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, ये क्या कहलाते हैं? सो गाइज, ये कहलाते हैं सकल राष्ट्रीय आय। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? ऑप्शन डी, कांच में होती है। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। 5वां क्वेश्चन, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इसमें संभव है कि, ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। 6वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? सो गाइस, इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है, क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन ए, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन थे। 11वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट ये कहां पर किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट ये किया गया था, ऑप्शन सी, पोखरण। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो गाइस, दिन रात ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी? सो गाइस, ये वर्ष 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? ऑप्शन सी, हीरा एक मिश्रण नहीं है। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास सिद्धांत को ये प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। 16वां क्वेश्चन, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? कुत्ता। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? ऑप्शन बी, बर्तन बनाने के लिए। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ऑप्शन डी, तीर्थ कर मानते हैं। कुशल अक्रमर्त्या की नीति का संबंध निम्न में से किस वायसराय से है? जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, किसने धर्म को अफीम कहा है? किसने धर्म को अफीम कहा है? मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। 22वां क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो?
25 वर्ष, ऑप्शन डी हो जो आपका ये राइट हो जाएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धर्म निष्कासन को ऋण कुचरक कहा? ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की ऑप्शन बी प्रधान मुद्रा कहलाती है। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसनसोल ये कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची एक में है 1857 के विद्रोह के संबंध में मत, और सूची दो में है मतदाता। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही रहेगा। मिलान कैसे करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णतया सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस से हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्रोह इसराइली से हो जाएगा, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध एल आर रीस से हो जाएगा, सामंतवादी प्रतिक्रिया मिस्टर के से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो का मुख्य व्यवसाय शिकार करना। इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? सो गाइस इग्लू एस्किमो के मकान को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, केवला देव घाना पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। जल का अधिक वाष्पीकरण किससे होता है? जल का अधिक वाष्पीकरण ये किससे होता है? ये होता है ऑप्शन ए महासागर से। 33वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में प्रथम रेल बंबई एवं ठाणे के बीच ये कब चलाई गई? सो गाइस ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित कीजिए, सूची दो को आपस में मिलान कीजिए। तो सूची एक में विद्रोह का नाम, सूची दो में है प्रभावित। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है, चुआर विद्रोह इसका मिलान नागभूम एवं वीरभूमि से हो जाएगा। ओके हम बात करते हैं छोटा नागपुर कोल विद्रोह से हो जाएगा, रंपा क्षेत्र कोया विद्रोह और उड़ीसा खोर विद्रोह। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। 39वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, हेग किस देश में है? हेग किस देश में है? हेग है ऑप्शन बी नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? सितंबर। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? कीवी पक्षी ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स ये नारंगी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन जो ए आपका है ये राइट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देविका रानी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है तारापुर। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन है सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है, 1918 उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है जैसलमेर को।
मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। ऑप्शन बी, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन, कराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? कराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो कराकोरम राजमार्ग ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? ऑप्शन डी, कैमरून। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? सो गाइस, ये जाना था पश्चिम बंगाल के नाम से। निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन डी, ये सभी। कृषि की प्रधानता होती है, ज्ञान अधिक होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है। तीनों सही जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केरल। भारत के किस एकमात्र राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी, पांडुचेरी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? पहला विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय संबत के रूप में किस संबत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संबत। ऑप्शन जो बी है आपका, ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ स्टेटस के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन डी, प्रेस को। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया ऑप्शन सी, नई दिल्ली। किसको गजलों का जनक कहा जाता है? गजलों का जनक वीरबल को कहा जाता है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ऑप्शन सी, असम राज्य का ये प्रमुख पर्व है। तीन बीघा गलियारा किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पश्चिम बंगाल, तीन गलियारा। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही। अगला क्वेश्चन, हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई वर्ष 2011 में। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण, सो गाइस, इसका कारण है सल्फर यौगिक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन जो ए है आपका, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध ये स्थित है कृष्णा नदी पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर का चयन कीजिए। 74 का बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगा प्रतिबंध, सन्यासी विद्रोह से हो जाएगा। तत्कालीन दीवान को हटाने की मांग, विरुद्ध थुप्पी का विद्रोह। और अंग्रेजों का कोल्हापुर पर अधिकार, गडकारी विद्रोह से हो जाएगा। ओके, इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा, पागलपंथी आंदोलन। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? सो गाइस, ये उपस्थित होता है ऊन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। ऑप्शन सी जो है आपका 1865 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सुंदरी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है। ऑप्शन सी प्याज। अगला हमारा क्वेश्चन, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 7.2%। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है। ऑप्शन डी निग्रेसेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। ऑप्शन डी ओडिसी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और बाई और लिखी जाती है। सो गाइस ये लिखी जाती है खरोष्ठी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। ऑप्शन बी सूर्य। 87 क्वेश्चन देखिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किससे उल्लेखित है, किससे उल्लेखित है। ऑप्शन सी कंटोनिस्टिस। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, मिलित पनो राजा मलिन और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, ग्लूकोस। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं। सो गाइस ये धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है। ऑप्शन डी 46 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सिंगापुर शंकॉक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी पद्मपाणि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। किसानों की साख। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई, भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत ये कब हुई थी, ये हुई थी 1862 में। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है, ओजोन परत। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन बी मणिग्राम। अगला देखिए सुमेलित करना करने वाला है क्वेश्चन, तो इसे आप किस प्रकार से सुमेलित करेंगे। देखिए गाइस इस क्वेश्चन का जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलान करना है आप लोगों को। चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बनना 1835। पेपरी करेंसी एक्ट 1861। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना 1900 ईस्वी। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई 1893। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भूपटी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये थे हमारे CRPF पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।